मैंने आपके पक्षकार को ना तो पर्सनल अपीयरेंस को ऑर्डर किया ना उसको बोलने का मौका दिया, वो खुद के आया है और अपना बोलना शुरू किया है। नो आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, ठीक है? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, उसको बुला लिया, उसको आप पे विश्वास नहीं, उसने आपको बाईपास कर दिया, ठीक है? तो कम से कम आपके ऊपर तो विश्वास के लायक आप खुद नहीं हो, और ये भी आप पे विश्वास नहीं कर रहा है। अब आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए सर, अब आप सामने आ जाए। अगर कोई अपराध होता है, ठीक है, और बिना FIR दर्ज किए आप अपराध में इस्तेमाल होने वाली चीजें या जिस कारण से अपराध हो रहा उनको जब्ती कर सकते हो? जी सर, कर सकते हो। प्रावधान बताइए सर, उस दिन 100 टाइम आपने बोला, हाँ 100 पे डायल किया, आप क्यों पहुंचे? मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि अगर कोई अपराध हो रहा है, ठीक, आपकी नजर में, जी सर, तो क्या आप बिना FIR रजिस्टर किए हुए कोई भी सामान जब्त कर सकते हो? जी नहीं कर सकते। इसमें डायल 100 पे कोई खबर पहुंची कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है कटी हुई फसल को लेके, ये मिली खबर क्या मिली थी? जी सर, बिना बताए हम लोग समझ जाते हैं, हमें समझाने आए हैं सर, कटी हुई फसल को लेके जा रहे हैं, चोरी करके ला रहे हैं, ऐसे 100 आदमी चोरी करके ला रहे हैं, चोरी करना अपराध है कि नहीं? जी सर है, चोरी का अपराध दर्ज किया सर, वो 100 आदमी किया कि नहीं किया? नहीं सर, मौके पे गए थे सर। किया कि नहीं किया पहले? हाँ का जो नहीं किया, अब बताइए क्या कह रहे थे सर? वो 100 डायल में इवेंट आया था कि गांव का बताया था, पिंडराई गांव में, कि ट्रैक्टर से चोरी करके ले जा रहे हैं। क्या चोरी करके ले जा रहे हैं? मक्के की फसल सर। मक्के की फसल चोरी करके कौन ले जा रहा है? जो खेत वाला है वो सर। खेत वाला कौन? ये सर भरत उई के वगैरह हैं, और इनके भरत उई के खेत के मालिक हैं? नहीं है सर, मालिक नहीं है, ये चोरी करके ले जा रहे हैं। फिर क्या किया आपने सर? मौके पे पुलिस पहुंची और सर राजस्व निरीक्षक और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया सर। राजस्व निरीक्षक और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को बुलाया? क्यों बुलाया और कैसे बुला सकते हो? क्योंकि सर वो भूमि संबंधी विवाद था, इसलिए सर। भूमि स्वामी संबंधी विवाद था, तो आप कैसे कह रहे हो कि भरत मालिक नहीं है? सर मौके पे सर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आए थे सर। अच्छी बात, उन्होंने क्या बताया सर? उन्होंने बताया कि सर वो भरत के भूमि स्वामी नहीं है, मालिक नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आदमी भूमि स्वामी नहीं है वो अगर दूसरे की फसल ले जाता है तो वो चोरी नहीं है, मतलब वो चोरी नहीं है ना, क्योंकि आपने तो FIR दर्ज की नहीं। इसका मतलब है कि कोई आदमी दूसरे की फसल ले जाए तो वो चोरी नहीं है, हाँ या ना? नहीं सर, वो भूमि संबंधी, हाँ या ना? अभी आपने कहा, आपको बता दिया गया। देखिए आपने बिल्कुल सही किया कि कार्रवाई करने से पहले ये पता करने की कोशिश की कि मालिक कौन है जमीन का। आपको बता दिया गया भारत ये मालिक नहीं है, और भारत जो है मालिक की फसल ले जा रहा है, जो खेत का मालिक उसकी फसल ले जा रहा है, तो ऐसा कृत्य भारत का जो है वो चोरी की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा? सर वो भरत भी बोल रहा था कि मेरी खेत है कहके। जब आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और RI को बुला लिया था, ठीक है, और आपने उनकी बात सुनी, परंतु भरत की बात सुनने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात पे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आप फसल कैसे ले गए, बस ये बताओ सर? वो किसी एक पक्ष को देते तो एक पक्ष को देते तो वहां पे बवाल हो जाता, तो 145 में क्या कार्रवाई होती है सर? 145 के लिए दोनों को समझाइश दी गई। समझाइश छोड़िए, आपके क्या कार्रवाई होती है? पक्षकार तो लड़ रहा है जी सर, आपकी तो कोई सुन नहीं रहा ना। आपकी सुनते हैं तो या तो भारत छोड़ देता या दूसरा छोड़ देता है ना, आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, तो 145 कार्रवाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते? जी सर, कर सकते। अगर 145 की कार्रवाई करते तब आप फसल रख सकते थे या नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, और फसल जब रखते तो वो 145 के इस्तगासा के साथ SDM के यहाँ पे प्रस्तुत करते कि नहीं? भले कागज के ऊपर ही जी सर,
तो जरूरी नहीं है कि साहब वो 10 ट्रॉली ले जाके खड़ी करोगे यार। एसडीएम से परमिशन लेके उसको दिखा देते हैं, साहब ये अब आपके पास है, अब आपको जो करना है कर लो। आपने किया नहीं सर। आपने थाने में फसल कैसे रखी हुई है सर? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया था। रखी कैसे है? मैंने नहीं कहा है कि आपने गुंडागर्दी करके रखी हुई है। ये पंचनामा किस प्रावधान में बनाया ये बताइए। सर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने बोला था। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने बोला, नाम बताओ उसका। सर दिग्विजय सिंह परस्ते हैं। दिग्विजय सिंह परस्ते, उसने क्या बोला था? कि सर वो थाने में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, इसलिए कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वो क्या है, तहसीलदार है कि एसडीओ है? तहसीलदार है। 145 की कार्रवाई करते तो आप किसके यहाँ करते? एसडीएम के यहाँ पे। ये तहसीलदार को क्या अधिकार था आपको सलाह देने का? सर मौके की स्थिति, मौके की स्थिति को देख के नहीं, मौके की स्थिति को देख के आपके पास सारी कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर मौके की स्थिति खराब थी तो 145 की कार्रवाई करने पे किसने रोक लगाई थी? आप लगाते ना कि साहब ये भूमि का स्वत्व संबंधी विवाद है, दोनों पक्ष अपने आप को इस खेत का मालिक मान रहे हैं, फसल जो कटी है उसके ऊपर विवाद चल रहा है, शांति भंग होने की संभावना है, अतः आपके सामने 145 की कार्रवाई करने के लिए इस्तगासा प्रस्तुत है। लिख सकते थे या आपके पास इतना भी लिखने का कोई आदमी नहीं था या पढ़ाई लिखाई में शौक नहीं है? गलती हो गई। अब आप बताइए कि क्या कार्रवाई की जाए आपके खिलाफ। मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप सुबह से कोर्ट में बैठे थे, हमने आपको यहाँ पे जवाब देने के लिए खड़ा नहीं किया था। सरकारी वकील साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने आपसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आपको बुलाया, वहां तक कोई गलत नहीं किया उन्होंने। आपने उनको जवाब देने के बजाय सीधा कोर्ट को एड्रेस करना शुरू कर दिया। सर माफी चाहते हैं। नहीं माफी क्यों जाएंगे? अब आपको जब बिना बुलाए आदमी आके जब कोर्ट में बहस करेगा तो मैं कैसे मना कर दूं? अब आप बताइए कि अब आपके खिलाफ क्या किया जाए। सर माफी चाहते। नहीं माफी मत चाहिए। अब आप ये बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए। अरे आप बताओ ना, खुले में रखी है? सर सुरक्षित है, पन्नी में रखे हैं सर, प्लास्टिक की पन्नी में सुरक्षित है। नीचे पन्नी है जी सर। पन्नी कौन लेके आया? उसी में थी सर, ट्रैक्टर में पन्नी थी। ट्रैक्टर में पन्नी रखी, अच्छी बात है। कितने किलो थी सर ये जानते हैं सर? अगर ये कह दें कि सब वो तो 50 क्विंटल थी तो बाकी तो आपके सर पे पड़ गई। आपको ये जानकारी नहीं है कि कितनी सोयाबीन की फसल थी? मक्के की फसल। आपको पता ही नहीं है कितने की मक्के की फसल है? ट्रॉलियां कितने प्रकार की होती हैं सर? क्या एक स्टैंडर्ड साइज होता है या अलग अलग साइज की होती है? मीडियम साइज की। अरे सीधा बात बताओ, कितने साइज की होती है? सर दो साइज की। दो साइज की होती है, मीडियम और बड़ी होती है। एक बड़ी होती है। आपने अवैध रेत का परिवहन देखा है? जी सर। उस ट्रॉली की साइज क्या होती है? उसी साइज की सर। उसी साइज की सर। छोटी साइज की थी? जी सर। अच्छी बात है। कितने इंचेस की ट्रॉली थी? ये जानते नहीं आपको, ये भी नहीं पता। अगर इन्होंने कह दिया कि मेरी तो 100 किलो थी, निकली 20 किलो, 80 किलो के पैसे दोगे? है आपको कानून का ज्ञान नहीं है? कोर्ट में, हाई कोर्ट में आके खड़े होके बहस करना है, वकील साहब को किसी लायक नहीं समझते हैं? अब आप अपने लिए निर्णय खुद कर जाइए सर।
याद रखिएगा, आपकी प्रेजेंस का कोई आदेश नहीं था।